पति को धोखा देके कोई स्त्री अगर पराया पुरुष से संबंध बनाए तो क्या सजा है? तुलसी के पास हर रोज दीपक जलाने से क्या होता है? प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। वहीं शास्त्रों के जानकारों की माने तो ऐसे संबंध बनाने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को नरक में कौन सी सजा मिलेगा? दोस्तों, इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। मित्रों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान के पास आकर उनसे पूछने लगी है, स्वामी मुझे यह भी बताएं कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को स्त्री या पुरुष तुलसी के पास दीपक क्यों जलाते हैं? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है और कौन से पाप कटते हैं? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कोई स्त्री या पुरुष पराया पुरुष या स्त्री से संबंध बनाए तो वह पाप कैसे कटेगा, आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा, आधे अधूरी जानकारी हमेशा से घातक साबित हुआ है। आप सनातन ज्ञान कथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय श्री कृष्णा, जय माँ तुलसी। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान था। उसी ब्राह्मण की एक बहुत सुंदर पत्नी थी, जिसे लोग चरित्रहीन कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसा था कि लोग उसे चरित्रहीन कहकर पुकारते थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के कहना बिल्कुल नहीं मानती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी खान नहीं बनाती थी, खुद खा लेती थी, पति को भूखे सुला देती थी, उसके साथ प्रेम से व्यवहार कभी नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। वह स्त्री पति को छोड़कर पराए पुरुषों में लगी रहती थी। वह स्त्री पराया पुरुष के साथ ज्यादा घुल मिलकर रहती थी। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराए सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। जहाँ सुंदर पुरुष देखता वहाँ उसकी मन विचित्र हो जाता था। पराय पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके वह स्त्री भोग विलास किया करती थी। ऐसा करना उसको बहुत पसंद था। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा है, भद्रे, तुम्हारा यह आचरण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसी तरह जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पराए पुरुष से संबंध रखती है, उनके लिए भी यमलोक में बड़ा भारी दंड का विधान है। व्यभिचारी स्त्रियों को देखकर यमराज का चेहरा उग्र हो जाता है और उसे रूह कंपाने वाली सजा देते हुए नर्क में भेजते हैं। हरि दीक्षित कहते हैं, ऐसी स्त्रियों को यमलोक में लाहे के जलते पुरुष दिखते हैं, जिनकी सूरत उस पुरुष की तरह होती है जिनसे उनका अनैतिक संबंध होता है। इसीलिए तुम अभी से यह सब बुरे काम करना छोड़ दो।
तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब उस दुराचार स्त्री ने अपने ब्राह्मण पति से कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भिख मंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है मैंने पिछले जन्म में जरूर पाप किए होंगे, इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब नालायक पति मिला है। तुम इतना गरीब और भिखार हो, मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस टूटे फूटे झोपड़ी में रहना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली हूँ। मैं किसी दिन तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे, इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान राजा पुरुष से विवाह करूंगी। तो ब्राह्मण हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। तुम इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। मुझे वेद का ज्ञान है, मैं जानता हूँ शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराए पुरुष के साथ जाती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी झूठ खिलाते हो। वह स्त्री बोलती है, पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और मैं बोलता हूँ तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूंगी। इस प्रकार उस हरि दीक्षित ब्राह्मण की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो महिलाएं अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। जो भी स्त्री अपने पति को छोड़कर पराए पुरुष के पास जाता है, उन्हें नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। हे देवी, अब आगे सुनो उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन कामवासना से भरा हुआ था, वह किसी सुंदर कामी पुरुष की तलाश में थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहाँ खड़ी होकर वह मन में सोचने लगी, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपनी काम शांत करूँ। वह स्त्री सोचने लगी कि आज की रात कैसे बीतेगी, कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा, मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है, कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। वह स्त्री पागल की तरह चिल्लाने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझे अपनाएंगे, कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा। स्त्री मन विचार करती है, मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख है। यह संसार पुरुषों से भरा पड़ा है, कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष कर रहा है। वह स्त्री भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, कोई सुंदर ताकतवर नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए, चाहे वह मेरा भक्षण भी कर लेगा, यानी मुझे तो भी मैं तैयार हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंस। उनके रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नीति ने उसे सौंपा था। अचानक ध्वंस बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इससे पहले खूंखार बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी, तू मुझे छोड़ दे, मुझे मारकर भला तुझे क्या मिलेगा। उस स्त्री की यह बात सुनकर वह बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे तेरी भक्षण करने के लिए भेजा है,
तुझ जैसी पापी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे बाघ शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंस नाम का वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का एक बात बताता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। दक्षिण देश में अम्लापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी शांत वातावरण, सुंदर मंदिरों, अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ एक ज्ञानी ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उन्हें चारों वेद 18 पुराने का ज्ञान था। हमारे पिता चारों दिशा में पूजा पाठ करवाते थे। उन्होंने मानव हित के भलाई के लिए अपनी पूरा जीवन बिता दिया। उस बाघ ने आगे कहते हैं, हे स्त्री, मैंने भी अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ, पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ अधिक बढ़ता गया। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन के लोभ से यज्ञ करवाता था। हमारे मन में इतना लोभ लालच हो गया था कि मैं किसी से धन लेता फिर उसे वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए और हमारा ध्यान भक्ति से भटक गया। इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई और मुंह के दांत भी टूट गया, परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने दुख भरे स्वर में आगे बोला, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगने लगा। दान में मिले हुए धन को गलत जगह खर्च करने लगा। हम सभी ब्राह्मणों ने मिलकर झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन करवाया और किया। हमारा उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह कुत्ते को क्रोध आया और क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा। मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के दो दूत प्रकट हुए। वे भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में एक रस्सी था जिसे पास कहा जाता है। यमदूतों ने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। धर्मराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा बता सके। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद है, यह अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया है। यह धर्म के नाम पर धंधा कर रहा था। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर धर्मराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। बाघ बोलते हैं, इसके बाद मुझे घोर नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। बाघ बोलते हैं, मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं वचन लिया कि मैं केवल उन पापियों और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त करूंगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। तुम जैसा स्त्री को चरित्रहीन स्त्री कहते हैं, अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है। इतना कहकर उस बाघ ने उस स्त्री पर हमला करता उस पापी स्त्री को मारकर उसे वही खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उसके आत्मा को लेने यम के दो दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री के आत्मा को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे धर्मराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापी है, इसने घोर अनर्थ पाप किए हैं। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराए पुरुषों के संग समागम किया करती थी। उसके पापों को सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दे दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई। फिर वह चरित्रहीन स्त्री यमराज से कहने लगी, है धर्मराज, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें, मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं, कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। धर्मराज कहते हैं, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं, तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराए पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में तड़पना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, है इस पापी चरित्रहीन स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर घोर नरकों में डाल दो, यह उसी के योग्य है। लोहे के दहकते स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा वह अपने प्रेमी से चाहती थी, लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता। इसके बाद दहकते लोहे के खंभों का उन्हें आलिंगन करवाया जाता है। फिर यम दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर ररव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे कई वर्षों तक अलग अलग 16 नरकों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह पापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। पृथ्वी पर वह स्त्री फिर से अनेक पाप करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंगंग जलने लगा। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। वह स्त्री एक दिन तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में साधु जी एक तुलसी का पौधा लगाया था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह सभी स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु बाबा ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्ट संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने, पूजा करने, दीपक जलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हर रोज तुलसी के पौधों को जल देने, पूजा करने, दीपक जलाने से मनुष्य जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उन्हें स्वर्ग में जगह मिलता है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, है साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे क्या? वह साधु बाबा कहते हैं, हे पुत्री, यह सत्य है, यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। तुलसी की पूजा करने से कोई भी इंसान को जन्म जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। साधु महाराज पूछते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने ऐसा पाप किया है, मेरा पाप इतना बड़ा है कि हमारा पाप क्षमा करने योग्य नहीं है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है।
हे साधु महाराज, कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष नष्ट हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया, उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने लगी। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे तो भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे। देवलोक से आए पार्षद स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सकें और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सकें। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यम दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के दूत हैं, उनके आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराते हुए बोले, हे यमदूत, तो तुम सत्य बोलते हो, तुम जरूर इसे लेकर जाना, पर मेरी एक बात सुन लो। इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यम दूतों ने चकित होकर पूछा, है पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने समझाया, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने से न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से रोज दिन तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया था, इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं, अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमराज के दोनों दूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पार्षदो, आप सत्य बोल रहे हैं, हमें इन स्त्री के भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह श्री हरि विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? श्री हरि विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है, हर रोज शाम को तुलसी में दीपक जलाया है, वह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक यानी स्वर्ग में ले जाया जाएगा, यह अब स्वर्ग की अधिकारी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर श्री विष्णु के पार्षद उस स्त्री को विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल और केवल दीपक जलाने मात्र से ही किसी भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है, उसके पूर्वज्ञ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करना कर सकते हैं, शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्व नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने तथा तुलसी के सेवा करने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है।
कोई भी व्यक्ति यदि तुलसी के माला पहनकर मृत्यु को पा लेता है, उस व्यक्ति को तुलसी को माला निकालने का कोशिश न करें। वह तुलसी की माला उस व्यक्ति को स्वर्ग ले जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो श्री हरि विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। यह साधक के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और श्री विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के पास गाय के घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। अगर तिल के तेल नहीं है तो आप शुद्ध सरसों के तेल में भी दीपक जला सकते हैं। दीपक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प में लिखा है कि तुलसी का पौधा लगाने से और उसे जल देने, ध्यान, स्पर्श, गुणगान मात्र से पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृ दोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तुलसी में जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी में रविवार और एकादशी के दिन जल न दें, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर माँ तुलसी भी निर्जला व्रत रखती हैं और न ही इन दिनों में तुलसी के पत्ते उतारने चाहिए। और तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यम दूतों का भय नहीं रहता है और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है, यानी सीधा स्वर्ग जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। तो आपने सुन लिया कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। तुलसी पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें। तुलसी जी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद अगरबत्ती और दिया जलाएं। तुलसी स्तोत्र का जाप करने से भी लाभ होता है। साथ ही कभी भी स्नान किए बिना तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का सुबह के समय या फिर दिन में तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए।